वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरा नाम है स्माइल कोहली और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं जा रही हूँ एक इवेंट पे अपनी बहन के साथ और ये इसका नया फोन है, देख रहे हो क्लैरिटी, देख रहे हो तो इसने नया था। तो दोस्तों इवेंट पे पहुँचना था 3 बजे और टाइम हो रहा है और अभी तक मैं चुनी ही हूँ, लेकिन पहुँच तो हम जाएंगे लेकिन लेट ऑब्वियसली 4 बजे तक। That doesn't match. ये मेरा आउटफिट है, नहीं अभी आउटफिट आपको दिखाऊंगी बाहर निकल के। ओके ये देखो, क्यों लेट होते हैं हम? मम्मी से मैंने 175 गालियां खाई है आज, पता है क्यों? क्योंकि दीदी जो है ना वो 3 बजे उठी है अभी, उसके बाद वो नहा के आएगी 4:30 बजे और हम जा रहे 5 बजे। इवेंट खत्म हो गया था 3 बजे और टाइम हो रहा है अभी, तो जितनी भी इसने बातें बोली सारी झूठ है। मैं पहुंच गई हूँ गाइस और मैं अपना आउटफिट दिखाऊंगी शॉर्टली, वैसे ये है बट देखते हैं अब हम इवेंट पर टाइम पर पहुंचे हैं कि नहीं। ऑब्वियसली नॉट, बट आप जीटी आप देख रहे हो ना, ये झूठ बोल के आई थी वैसे, कितनी गंदी आ रही है पीछे से। स्नेहा लेट हो रहा है वरना हम कुछ खाते, भूख लग रही है। तो हमारा हो गया है शूट डन और मुझे ये हैम्पर मिला है जिसमें क्या क्या है वो मैं ऑलरेडी दिख ही रहा होगा क्योंकि क्लियर बैग है, बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मिला गया है। भाई देखी तो नहीं है यहाँ पर, देखिए आप वो कुछ बहुत है, कुछ तो मिला है आज दीदी को, कुछ मिला है, ये मिला है। हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, आप ले सकते हो कुछ भी, 2500 रुपये 5 लाख। स्नेहा ये बगाड़ अभी कहीं पे रात से, यानी जब तक मेरी कॉफी आती है तब तक आई विल शो यू। नहीं दिख रहा जब तक मेरी कॉफी आती है, शो यू व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय हैम्पर। एक डायरी जो मेरे बहुत काम आएगी, मुझे पसंद है लिखना। वाओ वन शीट मास्क वेरी इंपॉर्टेंट, वन स्ट्रॉ वेरी क्यूट, वन स्क्रंची विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कैंडल फ्रेगरेंस वाली और ये बैग बस का, और ये मुझे अच्छा लगा बहुत, थैंक यू गाइस। मैं अकेले जा रही हूँ घर क्योंकि स्नेहा ने अपेरेंटली कहीं और जाना है, तो मैं हो रही हूँ लेट, मुझे करना है काम। ऑटो देखती हूँ और भागती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दूसरा दिन, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कल का व्लॉग। कल मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया और अभी मैं उठी भी नहीं हूँ बेड से। ये मेरा बेड है, ये मेरा मस्कीटो नेट है, हम इसके अंदर सोते हैं। और आपको पता है पूरी कल से, मतलब मैं पूरे 1 घंटे से बेड में ही पड़ी थी, मैं सो के उठ चुकी थी लेकिन मैं फ़ोन चला रही थी, तो कितनी गंदी आदत है मेरी। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, आपसे मिलती हूँ और आज का दिन शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो दोस्तों नहा के रेडी हो गए हम, कैब का वेट कर रहे हैं। कैब हो गई हमारी कैंसिल और हम जाने वाले हैं दूसरी कैब बुक करने, करो कर रखी है। हाँ और हम बताते रहेंगे कि हम आप कहाँ जाने वाले हैं, किधर और क्या होगा, उसके लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। ओके बाय गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन में और मेरी दीदी के अभी से पैर दुख गए, देखो जो ये बन के आई थी ना, अभी दिखाती रुको। ये हीरोइन बन के आई थी इन हीरो में और अब इनका हो चुका है हीरोइन बनने। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है मैं अपनी हील्स को पैर में लेके चलूं, हाथ में लेके चलूं पैर हील्स को हाथ, ठीक है ओके। तू पहन के आई, मेरी मेरी ज्यादा यूज चलाई नहीं जा रहा इनसे, बोलो तू पहन के आई तुम, अभी बताऊंगी। चलो गाइस आई की बातें बताऊंगी मैं तुम्हें, नहीं कुछ ज्यादा ही भूख आ रही है। सनलाइट दिखना चाहोगे? देखिए
ये सनलाइट है, आर्टिफिशियल सनलाइट, आईफोन यूजर के लिए है ये। अभी दीदी का आउटफिट दिखाओ दीदी, अच्छा मैं दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये दीदी का फर्स्ट आउटफिट है जिसमें अभी हम शूट करने जा रहे हैं, चले क्या? लेट्स गो, लेट्स गो। एंड आउटफिट, अब मुझे बालों का समझ नहीं आ रहा, बालों का क्या करूं? गंजी, गंजी हो जाओ, गंजी। गाइस हम लोग बैठे हुए हैं और हम थक गए हैं, सोनाली का काम इजी नहीं है, इजी लगता है सोनाली का काम, इजी नहीं है, इजी लगता है सोनाली का काम, इजी नहीं है। ओ ये यहाँ पे ये देखो, वो शीशा ऐसे ब्लर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो नहीं, ये कैमरे की जो इमेज है वो मिरर में इतनी ज्यादा ब्लर दिख रही है, लेकिन इसको यहाँ पे ठीक दिख रही है, समझी इसने हमें क्या कह रही है? समझदार लोगों को ही समझ आएगी मेरी बात। Anyway, guys, we are done with the shoot. And she is also done. ये इसका थर्ड आउटफिट था जो कि अभी वो दिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं है ना? बाय गाइस, मुझे ना स्नेहा की आपको एक बात बतानी है, देखो ये पता क्या करती है जैसे कि एक हम बहुत पहले एक बार ना ब्राइडल शूट पे गए थे, तो उसमें भी नहीं मेरे को पैनिक करती है, मेरे ही शूट पे ही मेरे को दीदी अभी ना मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी खराब होगी, दीदी लिपस्टिक पूरी कर रहा दीदी, बहुत गंदी लग रही है दीदी, बहुत काली आ रही है दीदी, ऐसे ट्राई करो ना, फिर मुझे बोले तो बताती क्यों नहीं है, तो नॉर्मली बता दे दीदी आपकी लिपस्टिक की, मेरे को ऐसे दीदी ऐसे करके बताएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, मैं घबराऊंगी, आता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, रिएक्शन नहीं आता, बकवास मत क्या कर, नॉर्मली बताया कर दीदी, ऐसे ऐसे करके बताती है ये जानबूझ के, और अभी मैं बहुत थकी हुई, तो सॉरी गाइस मैं अभी अच्छे से एनर्जी में बात नहीं कर पाऊंगी, इससे बात कर लो, बाय। पापा की परी ने अपने सैंडल उतार के मेरे जूते ले लिए, अब ले लिए पापा की परी ने, क्यों लिए? पापा की परी को ऑर्डर देने नहीं जाना, क्यों? अरे इनको चलने में दिक्कत होगी, तभी तो इन्होंने चेंज कर ली, बता तो नहीं हो रही, हाँ बस ऑर्डर दे के आते हैं गाइस, हम टाको बेल में हैं, टाको बेल में बात करेंगे, मैं बताती हूँ, ये विदाउट अनियन गार्लिक खा रही है क्योंकि इसका फास्ट है, मैं भी विदाउट अनियन गार्लिक ही खा रही हूँ, बट मेरा फास्ट नहीं है गाइस। आज मैंने पहली बार चूरोस खाए और वो इतने यम्मी हैं टाको बेल के, दैट आई लव देम, वाओ। हमने खा लिया है, पी लिया है और हम जा रहे हैं आप घर को, अपनी बहन को मैं छोड़ के जा रही हूँ, इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना चाहिए, नहीं हो जाते, हील पहनी है ना बेचारी ने, हील पहनी है, अब हील्स रोज पहनूंगी क्या बोलो, हम अपना ऑटो का वेट कर रहे हैं और यहाँ के ऑटो, मुझे ऑटो से जाने का, अरे एक सेकंड रुकोगी, यहाँ के ऑटो मानने वाली नहीं है, मेरा मन नहीं है यहाँ के ऑटो, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, खुद ही बोल रहे हो, अब मैं नहीं बोल रही, यही है, पकड़ो खुद ही, उसने कैंसिल कर दी, आज हमारे को यहीं सोना है यार, हमारा ऑटो भी बुक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एक कार होती ना, या फिर कार भी होती तो तू सीख जाती, कार तो है मेरे पास लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, और मेरे को इतनी स्ट्रेस लेना भी नहीं है चलाने का, थका मेरे को इतनी थकावट हो रही है, शूट भी मैं करूँ बार बार, कपड़े चेंज करो 100 बार, तूने क्या किया, तू बैठी रही ना तीन, इतनी बार कपड़े चेंज कर लिए तूने, मैंने क्या किया, कपड़े मैंने क्या किया, मैं आ गई ना, इसने मेरे को डराया है, इसने मेरा शूट करा है और ये मेरे साथ आई है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसने बस मुझे डराया डराया, ये देखो ब्लॉग तो मेरा है, देखा कुछ सब कुछ काट देती है ये।
हेलो दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ अभी। आप मुझे देख के प्लीज़ डरना मत। मैंने लगाया है अपने फेस पे ये एम कैफिन का आई पैच। पता नहीं इससे कितना फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बट मुझे कुछ बताना है आपको कि अब मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। और मुझे कहना है अपनी बहन को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। उसे लगता है कि मैं उसको थैंक यू नहीं बोलती हूँ और उसका एहसान नहीं मानती हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं उसको शो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी बहनों के लिए और स्पेशली स्नेहा के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। चीनू भी रहती है तो मैं, चारों भी रहती है तो मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं थैंक यू बोल रही हूँ स्नेहा को फ्रॉम दिस व्लॉग। अभी तो मुझे देख के डरना मत यार, क्योंकि यार वो मेरे साथ हर जगह जाती है, मेरी हेल्प कराती है, मेरी शूट करती है, मेरा कैमरा, मतलब एक टाइप से वो मेरी कैमरामैन भी है। वो मेरे को एडवाइस भी देती है, मुझे सजेशन भी देती है, वो डायरेक्टर सब है वो मेरे वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच स्नेहा, एंड थैंक यू सो मच यू गाइज ऑल्सो। मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करती हूँ, और आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। ओके बाय, और अपना ख्याल रखना, खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रखना। बाय।